नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अहमदाबाद से, जहां पर दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भी लगाएंगे और इसके लिए बहुत जल्द कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दोस्तों अहमदाबाद को 2036 के ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है और जितना भी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2036 के ओलंपिक के लिए बनाया जाना है उसको लेकर गुजरात गवर्नमेंट का प्लान है कि 2026 से पहले पहले कंप्लीट कर दिया जाए। और क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी 2026 में ही होनी है, जो हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज करवाई जानी थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि वो उसको होस्ट नहीं करेंगे, इसी चांस को देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि वो इसको लेकर बिड लगाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इंक्लेव और नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में ही मेजोरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स होस्ट किए जाएंगे। और अगर 2026 से पहले पहले बनता है तो हो सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स आपको 2026 में भारत में होते हुए देखने को मिले। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड, जहां पर 200 पैसेंजर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रेलवे के द्वारा प्लानिंग की गई है कि अगले 5-6 सालों के अंदर अंदर हमारे देश में सभी कोचेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद सिर्फ LHB कोचेस और वंदे भारत कोचेस, ये दो तरह के ही कोचेस हमारी रेलवे के द्वारा पैसेंजर सेगमेंट में ऑपरेट किए जाएंगे। तो सभी आप जानती हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह की ट्रेन्स के लिए अलग अलग तरह के कोचेस को ऑपरेट किया जाता है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अभी 28 डिफरेंट टाइप्स के कोचेस हमारी रेलवे ऑपरेट कर रही है और अगर इन नंबर्स को कम कर दिया जाता है तो हमारी रेलवे की पैसेंजर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज होगी, साथ साथ पैसेंजर ऑपरेशंस में एफिशिएंसी भी आती हुई देखने को मिलेगी। अभी के समय में हमारी रेलवे के अकॉर्डिंग अगर इनको कम किया जाएगा तो ऑलमोस्ट 40% वो कोस्ट जो कि वो पैसेंजर ट्रेन की मेंटेनेंस और रिपेयर के ऊपर स्पेंड करते हैं वो कम हो जाएगी। तो देखते हैं कि इसको हमारी रेलवे कैसे कम करती है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों टाटा और एयरबस ने मिलकर देश में C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और अब मास स्केल पर ये देश में प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों अक्टूबर 2022 में टाटा और एयरबस के बीच में C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील साइन की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस से प्रोक्योर किए जाएंगे, जिसमें से 16 तो स्पेन से रेडीमेड आएंगे जबकि रिमेनिंग 40 हमारे देश में बनाए जाएंगे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग वडोदरा में होगी। और इस एयरक्राफ्ट के कुछ ऐसे प्लान भी होंगे जो कि टाटा के द्वारा उनकी हैदराबाद फैसिलिटी और नागपुर फैसिलिटी दोनों में मैन्युफैक्चर किए जाने हैं, जिनको बाद में वडोदरा में फाइनल असेंबली के लिए शिप किया जाएगा। और अभी हैदराबाद में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर नागपुर में भी काम स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको वडोदरा में भी इसके ऊपर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 2026 में इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और 2031 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों हमारे देश में एक MRO हब स्टेब्लिश करने के लिए टाटा ने एयरबस के साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। अगर ये MRO हब हमारे देश में बनेगी तो हमारे देश के आसपास की कंट्रीज जो कि C295 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती हैं, जैसे कि UAE, फिलीपींस, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर भी भारत में ही हो पाएगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र के लिए एक मेगा लेदर एंड फुटवेयर क्लस्टर प्रूफ कर दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रातवाड़ विलेज में बनकर तैयार होगा। दोस्तों एक बड़ा क्लस्टर होगा जो कि अराउंड 151 एकड़स के एरिया में फैला होगा। लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, डिजाइनिंग हर तरह के काम कर पाएंगी। इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। हालांकि प्रपोजल तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही भेजा गया था और क्योंकि दोस्तों लेदर इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो अगर ये क्लस्टर बनेगा तो महाराष्ट्र में बड़े स्केल पर जॉब भी जनरेट होती हुई देखने को मिलेंगी। 125 करोड़ की ग्रांट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, रिमेनिंग पैसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक फूड स्ट्रीट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि शंगमुगम स्ट्रीट को एक वाइब्रेंट फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस प्लान को लेकर DPR बना ली गई है। दोस्तों शंगमुगम स्ट्रीट शंगमुगम बीच के पास में लोकेटेड है, पर क्योंकि ये काफ़ी फेमस बीच के पास लोकेटेड है और अगर ये फूड स्ट्रीट बन जाती है तो लोकल वेंडर्स के पास इनकम के और सोर्स जनरेट हो पाएंगे। करंटली दोस्तों स्ट्रीट के ऊपर रेनोवेशन का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इसको एक फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट किया जाएगा जहां पर फूड स्टॉल्स, रोड साइड हॉकर्स के लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज भी बनकर तैयार होंगी, एंट्रेंस जोन और पूरे स्ट्रीट रोड में अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम भी किया जा रहा है। 40 मिलियन रुपीज के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और अगस्त तक इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू MRO फैसिलिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों GMR ग्रुप के द्वारा एक न्यू MRO फैसिलिटी अनाउंस कर दी गई है और सैफरन ग्रुप के साथ मिलकर वो इसको बनाएंगे। दोस्तों सैफरन एक फ्रांस बेस्ड इंजन मेकर है और इनके कई तरह के इंजन हमारे देश के जो डिफेंस हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें इस्तेमाल किए जा चुके हैं और क्योंकि इंडियन एविएशन और डिफेंस मार्केट इतना बड़ा है तो हर कंपनी चाहती है कि उनको वहां पर प्रोजेक्ट मिले, इसी के चलते रेगुलर बेसिस पर सैफरन हमारे देश में कोई ना कोई इनिशिएटिव लॉन्च करता ही रहता है।
अभी जीएमआर ग्रुप के साथ मिलकर इन्होंने एक एमआरओ फैसिलिटी लॉन्च करनी है जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट के आसपास बनकर तैयार होगी। 23.5 एकर्स के एरिया में फैली होगी जिसका बिल्टअप एरिया 36,000 स्क्वायर मीटर के आसपास होगा। 100 इंजन्स की सर्विस हर साल यहां पर हो पाएगी और ये एक जस्ट स्टार्ट होगी। ग्रेजुअली इसको 300 प्लस ले जाया जाएगा। उसको कहा जा रहा है कि इस सितंबर 2023 तक इस फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। 2024 के एंड तक या फिर 2025 के स्टार्टिंग में ऑपरेशनल भी हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारे देश की लार्जेस्ट लॉन्च लॉन्च कर दी गई है और टर्मिनल 3 में बनकर तैयार हुई है। दोस्तों ये लॉन्च ओवरऑल 22,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली है। स्पेसिफिकली बिजनेस और फर्स्ट क्लास ट्रेवलर्स के लिए बनाई गई है ताकि उनको अमीरी का एहसास करवाया जा सके। अभी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं जो कि अराउंड 8,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनेगी और ओवरऑल इसका एरिया 30,000 स्क्वायर फीट तक पहुँच जाएगा। इन काम प्राइवेस का नाम रखा गया है जिसमें कुछ लॉन्च बेस, एक बार, एक मल्टी क्यूजिन बुफे, लाइव फूड काउंटर्स, एक प्ले एरिया, एक लाइब्रेरी, ऐसी कुछ चीज़ें बनाकर कंप्लीट की गई हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है देश में कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे मेड इन इंडिया कंटेनर्स ने मार्केट में एंट्री करनी स्टार्ट कर दी है। इकोन शिप जो कि एक इंडियन शिपिंग कंपनी है, इन्होंने मेड इन इंडिया कंटेनर्स की पहली बैच को प्रोक्योर कर लिया है। दोस्तों कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की एब्सोल्यूट मोनोपोली है क्योंकि पूरी दुनिया में अराउंड 80-90% कंटेनर्स चाइना के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, जिसका मेन रीजन ये है कि चाइना के कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। इवन अगर वो अपने देश में बनाकर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं तब भी उनकी कॉस्ट दूसरी किसी भी कंट्री के कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है। और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि चाइना स्टील की रिसाइकलिंग करके उसके कॉस्ट को ओवरकम कर देता है। स्टील प्रोडक्शन को लेकर भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और भारत ही इकलौती ऐसी कंट्री है जो चाइना को इस एरिया में टक्कर दे सकता है। लास्ट ईयर जब हमें सप्लाई चेन के चलते कंटेनर्स की शॉर्टेज पड़ी थी तो उसको देखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि अब कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही होगी। और इसी रीज़न के लिए हमारे देश की जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको कई तरह की रिलैक्सेशन दी गई थी ताकि हमारे देश में डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया जाए। और अभी अहमदाबाद में कई सारी कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काम कर रही हैं। इकोन शिप ने भी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी से इन इंडियन कंटेनर्स को प्रोक्योर किया है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि अब ये काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई है कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं जो स्पेसिफिकली कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो आगे चलकर अल्टीमेटली चाइनीज कंपनी से कम्पीट कर पाएंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इटालियन गैस कंपनी एसओएल प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि वो हमारे देश में उनका एक और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करेंगे और 145 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में तमिलनाडु स्टेट में बनकर तैयार होगा। दोस्तों इस कंपनी के पास ऑलरेडी हमारे देश में 3-4 प्लांट्स हैं, उसी में से एक प्लांट तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड है और उसी प्लांट के आसपास ये न्यू प्लांट भी बनकर तैयार होगा, जहां पर मेडिकल गैसेस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, इन सब गैसेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। 120 टन पर डे की कैपेसिटी इसकी होगी और अभी के समय में इसके डेवलपमेंट को लेकर तमिलनाडु स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रख दिया गया है। अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए।